जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। ये दिन मुबारक तुमको सौ सौ बार है, हर बार है, बार बार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है। Let's start another video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे वीडियो के रेशियो को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे 1:1 वाली रेशियो को सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे क्रिएट बोलेंगे। उसके बाद हमें कुल 7 पिक्चर्स को ऐड करना है। सो गाइज, मैंने यहाँ पे 7 पिक्चर्स को ऐड कर लिया है। तो अब हमें इन फोटो की स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन को रखना है। तो मैं यहाँ पे पैन जूम पे जाके यहाँ पे दोनों को इक्वल रखूँगी और इसको जूम करूँगी। हमें सारे में लगा लेना है ऐसे ही। गाइज ये हो चुका है। अब हम यहाँ पे बीच में प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस वाले इफेक्ट को हम ऐड करेंगे। इसमें 1 रखेंगे और ये वाला आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा गेट मोर में। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नाम दे दूंगी, आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। अब हमें ये 1 हो गया, अब 2, अब 3 एंड लास्टली 4। अब हमें इसी तरह कंटिन्यूसली चलता रहना है। सो गाइज ये हो चुका है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हमें बैक आ जाना है और फिर से इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके हम इस बार फिर से रेशियो वीडियो की रेशियो को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब 9:16 वाली रेशियो को सिलेक्ट कर रही हूँ और क्रिएट बोलूँगी। इसके बाद हमें यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन को ऐड करना है। सो गाइस, हमें यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन को ऐड करना है इस तरह। और यहाँ पे लेयर पे जाके मीडिया पे जाएंगे और हमें यहाँ पे टेम्पलेट ऐड करनी है। इस वाले टेम्पलेट फोटो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे क्रोमा की वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको इनेबल कर देना है। तो ये अपने आप इनेबल हो जाएगा और इसको हमें वीडियो जितनी तक है उतनी तक हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है। इसके बाद हम लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और हमने जो वीडियो एक्सपोर्ट की है वो वाली लेंगे और इसको हम यहाँ पे नीचे वाले फ्रेम में बराबर फिट करेंगे और इसको हम 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेंड टू बैक करेंगे। इसको अच्छे से हम यहाँ पे लगा लेंगे और इसके बाद हमें इसी का डुप्लीकेट बनाना है। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके हमें डुप्लीकेट बोलना है और यही डुप्लीकेट हमें ऊपर भी सेट करना है और इसको भी हमें 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेंड टू बैक करना है। अब हमें लेयर पे जाके, इफेक्ट्स पे जाके, यहाँ पे बेसिक ब्लर इफेक्ट्स पे जाके यहाँ पे हमें ब्लर इफेक्ट को ले लेना है और हमें इस वाले फोटो में ब्लर लगा देना है। इसको अच्छे से हम फ्रेम में एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम इस टेम्पलेट वीडियो को 3 डॉट्स पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। अब हम फिर से ब्लर वाले इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स पे जाएंगे और इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट को लेके यहाँ पे ऊपर में सेट करेंगे और इस फिर से हमें टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट बोलना है।
तो ये ब्रिंग टू फ्रंट हो चुका है और इन ब्लर इफेक्ट को भी हमें अपनी वीडियो की लेंथ जितनी है उतनी रखनी है। अब हमें ब्लर वाले एक इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसको हमें 4% कर लेना है, दोनों को 4% कर लेना है। तो ये मैंने कर लिया। फिर से हम इन हमारी वीडियो पे जाएंगे और इसका ही डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ बीच में हमें इसके सेट करना है अच्छे से और हमें टेम्पलेट वाली वीडियो को 3 डॉट्स पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट बोलना है। तो ये ब्रिंग टू फ्रंट हो चुका है। अब हमें लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, मीडिया में जाना है, फिर यहाँ पे हमें पिक्चर्स ऐड कर लेनी है और हमें इसको क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाके ये इनेबल कर देना है, फिर शेप्स में जाके इसको गोल कर लेना है और इसको अच्छे से छोटा सा क्रॉप कर लेना है गोल के, और इसको हम छोटा करके यहाँ पे ले जाएंगे और हमें टेम्पलेट वाली वीडियो को 3 डॉट्स पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट करना है। तो गाइज ये हो चुका है और फिर से हमें मीडिया में जाके वही सब दोहराना है। आप बाकी के फ्रेम में लगा लेना इसी तरह, मैं इसे अभी रहने देती हूँ, आप लगा लेना। तो गाइज ये हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कौन सा भी सॉन्ग लगा सकते हैं। सो गाइज मैंने इस पे सॉन्ग भी लगा दिया है। अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। सो गाइज ये एक्सपोर्ट हो चुका है, आपके गैलरी में भी सेव हो जाएगा। इसी तरह नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।